नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखीमपुर खीरी में विपक्षी नेता लगातार हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हर कोई इस मामले में न्याय चाहता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पर भी जमकर हमला बोला है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि मैं पीड़ित परिवार से मिलकर आया हूं और परिवार न्याय चाहता है। उन्होंने कहा कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जो भी आज मुझसे मिले हैं, सब न्याय चाहते हैं और हम सब विपक्षी दल के लोग इसलिए यहां चलकर आ रहे हैं ताकि न्याय मिल सके और जो सरकार कर रही है उसकी भी पोल पट्टी खुल सके। मदद करूंगा, तीनों परिवारों से मैं मिल लूं, उसके बाद भी परिवार की मदद होगी। और मैंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि सरकार ने जहां मदद की है, समाजवादी पार्टी ने 2 करोड़ की मांग की थी कि 2 करोड़ परिवार को प्रति मदद हो, सरकारी नौकरी दें। अगर ये सरकार नहीं मदद करती है तो समय आने पर समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मदद करने का हम लोग करेंगे। आज नहीं, फिर हम कार्यक्रम जल्दी बना देंगे। हम आर्थिक सहायता देंगे तीनों परिवारों से मिलने के बाद। वहीं कानपुर देहात में घर की कच्ची दीवार गिरने से एक मासूम सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 मवेशियों की मौत हो गई। पूरा मामला रूरा थाना क्षेत्र के बीरपुर नकासिया गांव का, जहां पर एक मकान की कच्ची दीवार गिर गई, जिससे घर में मौजूद 4 लोग मलबे में दबने से घायल हो गए, जबकि 2 मवेशियों की मलबे में दबने से जान चली गई। मामले में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ हालत गंभीर होने पर सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। तो कानपुर का एक पूरा मामला, जहां पर मकान की कच्ची दीवार गिरने से यह हादसा हुआ, जिसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, वहीं 2 मवेशियों की जान चली गई है। घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए इन्हें सीएचसी रेफर कर दिया गया है, जहां इलाज चल रहा है। वहीं राहत बचाव के काम भी लगातार किया जा रहा है। वहीं गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर जारी है, जहां गाजियाबाद के लोनी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी पर जा रहे पति पत्नी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार पति पत्नी सड़क पर गिर गए, जिसके बाद ट्रक चालक महिला को कुचलता हुआ निकल गया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बागपत निवासी दिनेश सुबह करीब 7 बजे लोनी से अपनी पत्नी को लेकर वापस बागपत जा रहे थे। इसी दौरान 5 लोग गांव के पास ही हादसा हुआ। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो गाजियाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है, जहां पर बाइक पर सवार दंपति को ट्रक ने टक्कर मार दी और इसके बाद महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र में जहरीला चारा खाने से 3 पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। पूरा मामला मंडावली क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर का, जहां पर विकास कुमार नामक ग्रामीण अपने पशुओं के लिए भागुवाला से कुट्टी मशीन से चारा लेकर आया था। विकास ने बताया कि उसने चारा लाकर अपने पशुओं के आगे डाला और जैसे ही पशुओं ने चारा खाना शुरू किया, कुछ ही मिनट बाद 3 पशु जमीन पर गिरकर तड़पने लगे और उनके मुंह से खून आने लगा और देखते ही देखते 3ों की मौत हो गई। मामले में पुलिस और पशु विभाग को घटना की सूचना दे दी गई है। फिलहाल चारे की जांच रिपोर्ट और पशुओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पशुओं की मौत का असली कारण पता चल पाएगा। बिजनौर का एक पूरा मामला है, जहाँ पर जहरीला चारा खाने से पशुओं की जान चली गई, जिसके बाद पीड़ित ने इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि वो चारा लेकर आया था और तभी उसने पशुओं को खाने के लिए दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पशुओं के मुंह से खून निकलने लगा और उनकी जान चली गई। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। यो मेरा छोटा भाई के डंगर खत्म हो गए, 2 गाय और 1 वो आधा घंटा पहले कुट्टी लेकर आया था, डॉक्टर बोतल लगा था और उसके बाद इंजेक्शन भी लगे और आधे घंटे में 3 डंगर खत्म हो गए। थोड़ी थोड़ी कुट्टी खाई थी, 1 छबड़ा कुट्टी 3 डंगरों ने नहीं खाई। कुट्टी खाते ही जो है, हाँ अच्छा, कहाँ से लाए थे कुट्टी? भाग वाले सर, मशीन पे सर। हाँ, राजेंद्र की। अच्छा, तो इसके लिए जो आपने इसकी शिकायत करी गई जांच वाँच के लिए डॉक्टरों की? डॉक्टर साहब से शिकायत करी, जो हमारे सर के डॉक्टर भाग वाले के, वे गौशाला में बैठे हुए हैं, कोंडिंग चल रही है, आने वाले हैं।
अमेठी एक महिला ने मंचले युवक की जमकर पिटाई की है। बता दें कि मंचला पिछले कई दिनों से युवती को लगातार परेशान कर रहा था, जिससे परेशान होकर युवती ने मंचले की जमकर पिटाई कर दी। वहीं मंचले की पिटाई के बाद युवती के परिजन मंचले को लेकर थाने पहुंचे और मंचले को पुलिस को सौंप दिया। इस दौरान मौके पर मौजूदा किसी व्यक्ति ने पिटाई का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। तो जिले के जामो थाना क्षेत्र के रेसी बाजार का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि युवक महिला के साथ लगातार छेड़छाड़ किया करता था। कई दिनों से ये पूरा मामला सामने आ रहा था, लेकिन आज गुस्साई महिला ने युवक की जमकर पिटाई कर दी है। मंचला यहां पर पटता रहा, आसपास के लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की। महिला के परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। ये पूरा मामला जिले के जामो थाना क्षेत्र के रेसी बाजार का बताया जा रहा है। तो वहां खड़े किसी व्यक्ति ने ये वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो अमेठी में ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मंचले की पिटाई करती हुई महिला इस वीडियो में नजर आ रही है। लखीमपुर मामले की जांच करने के लिए प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। लखीमपुर मामले की वो जांच करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जांच के लिए प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति की। बता दें कि एकल आयोग ही मामले की जांच करेगा और जांच आयोग का मुख्यालय लखीमपुर में ही बनाया जाएगा। बता दें कि आयोग को 2 महीने के अंदर ही अपनी जांच पूरी करनी होगी। उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। आज चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर चुकी है। इस केस का टाइटल जो है वो वायलेंस इन लखीमपुर खीरी लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ रखा गया है। जस्टिस सूर्यकांत और हीमा कोहली भी इस बेंच के सदस्य रही। इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में रविवार को भड़की हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ कईयों की गिरफ्तारी भी बताई जा रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं आशीष मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। दरअसल अजय मिश्रा के पैतृक गांव में दंगल का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को शामिल होना था और इसी का विरोध करने के लिए किसान वहां पर इकट्ठा हुए थे। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम चुपचाप वहां से जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को कुचला है। इसके बाद ये हादसा हो गया। सिद्धार्थनगर के बरड़पुर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख के 55 वर्षीय भाई कमरुज्जमा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि कमरुज्जमा गांव स्थित मस्जिद में सुबह नमाज पढ़ने के लिए गया था, तभी मस्जिद में ही बदमाशों ने गोली मार दी। बाद में मस्जिद पहुंचे ग्रामीणों ने मस्जिद में शव देखकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ASP समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। चिल्हिया थाना क्षेत्र के कुलहुआ गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दरअसल मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए शख्स गया था, तभी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी और मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने मस्जिद में उसका शव खून से लथपथ देखा, इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं और सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया, इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आसपास के जो लोग हैं उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। गाजीपुर में तैनात विद्युत अवर अभियंता हरकेश ने सदर कोतवाली में आया शाह से बीजेपी विधायक विकास गुप्ता के खिलाफ तहरीर दी है। उन्होंने विधायक विकास गुप्ता पर गाली गलौज कर नाजायज कार्य करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही विधायक की गाली गलौज का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। ऑडियो में विधायक अवर अभियंता से गाली गलौज करते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो विधायक की गाली गलौज का एक वीडियो और ऑडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल आरोप लग रहा है कि बीजेपी विधायक गाली गलौज करते हुए सुनाई दे रहे हैं। जब 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 तुमको 3-4 बार कह चुके तो अभी वहां पर भूल सोफर में नहीं, तो हम कैसे रिपोर्ट लगा दे? आप समझते नहीं है उनको।
हाँ क्या मैं लिख दूँ? नहीं एबीसीडी में क्या लिख दूँ? नहीं तुमने तुमने सुबह क्या कहा था कि मैं जाके फोन कर रहा हूँ, तुम जूते के भूखे हो हमको लगता है। अभी संतोष श्रीवास्तव की हल किया, अभी वो रो रहा है विजिलेंस वाले, और तुम्हारा लग रहा है पड़ जाएंगे तो इधर से फोन कराओगे, इधर से फोन कराओगे। जब कह रहे हैं कि पांचवी बार मैं तुमसे कह रहा हूँ, दिन भर सुबह शाम तक लूटते हो। अभी वहाँ गए तो लोहारन गढ़वा में सब शिकायत कर रहे थे। तो लोहारन गढ़वा में क्या दिक्कत थी? लोहारन गढ़वा में हमने क्या वहाँ किया कि आपकी शिकायत हो गई? अबे आप 50-50 रुपया तुम्हारा लाइट वसूल रहा है, कहीं का वसूल रहा है? एक हफ्ते से लाइट तुमको बुलाए तो तुम आए क्यों नहीं? तुमको आज सुबह भी बुलाए थे तुमको, कल तुम आओ। मोड़ो गाजीपुर चलो, तुम कहाँ पर हो? गाजीपुर चलो, इसको जुतियां चल के गाजीपुर में उधर से ले लो गाजीपुर। तुम कहाँ पर हो इस समय? हर केस फतेहपुर में है, डिवीजन में। तो डिवीजन में चलो आओ, फिर बंगले पहुंच रहे। हम गाजीपुर में होते तो हम वहीं आते, तुमको तो बुलाने से तुम आ नहीं रहे हो ना क्या? अरे दिन भर सुबह शाम तक लूटते हो जनता को। आगरा कैंट रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। बता दें कि प्लांट का उद्घाटन राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने किया। ये ऑक्सीजन प्लांट 250 एलपीएम ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा, जिससे अब मरीजों के बेड तक डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंचाई जा सकेगी। वहीं एडीआरएम मुदित चंद्रा सीएमएस रेलवे अस्पताल में इस उद्घाटन के दौरान रेलवे के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। आगरा की तस्वीरें, राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने इस प्लांट का उद्घाटन किया है। इससे मरीजों तक डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंच सकेगी। कैंट रेलवे अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी में दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन को लेकर भारी किल्लत हुई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में सरकारों का पूरी तरह से फोकस है कि ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे। तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी होने चाहिए, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा भी होनी चाहिए। तो आगरा में राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने इस प्लांट का उद्घाटन किया है। आप बता दें कि इस प्लांट के उद्घाटन से अस्पतालों में जो मरीज भर्ती होंगे उन तक डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंच पाएगी। इससे बहुत बड़ी राहत आसपास के जिलों को भी मिल सकती है। बहुत ही उपयोगी है, कोरोना मरीजों के लिए तो है ही है, लेकिन इन जनरल भी जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सब ज़रूरत रहती है उसको हम लोग इसी ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा ही मतलब पूरा करेंगे। वैसे अभी तक हम लोग सिलेंडर भरवा के मंगवाते थे, तो वो अब ये बेड टू बेड ये ऑक्सीजन डायरेक्टली पेशेंट के पास पहुँचेगा। एयर से तैयार होगी जी, एयर से तैयार होगी, सबको दे दो इधर भी, वायु से तैयार होगा। हाँ, एयर को, एयर कितनी ऑक्सीजन बनाएगा एक दिन में? एक दिन कोई नहीं है, ये जो देगा वो 250 लीटर पर मिनट के हिसाब से देगा। कंटिन्यूस हम इसको 250 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आगरा कैंट पर जो 250 LPM का जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका यहाँ विधिवत उद्घाटन हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज एक ये ऑक्सीजन प्लांट दिया गया है, उनके द्वारा इंस्टॉल हुआ है। हम देश के प्रधानमंत्री को जो बहुत बहुत बधाई देते हैं, बल्कि उनका आभार भी प्रकट करना चाहते हैं कि आगरा जो कैंट हॉस्पिटल है उसके अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट लगा है, उसकी वजह से मरीजों की जान नहीं जाएगी, ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। और पूरे देश के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री ने 1,000 LPM के बहुत सारे प्लांट ये पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने लगाए हैं, और ये देश की जनता की भलाई के लिए लगाए हैं, और हम उनका प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। हरदोई के शाहबाद के मुख्य बाजार में खाद्य विभाग की टीम ने किराना दुकानदारों के यहां छापेमारी की। इस दौरान टीम ने किराना दुकानदार के यहां से 3 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा है। वहीं खाद्य विभाग की छापेमारी की खबर लगती है, आसपास के कई दुकानदारें दुकानें बंद कर भाग निकले। खाद्य विभाग की टीम के अधिकारी ने बताया कि जांच के लिए भेजे गए नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगे भी मिलावटी खाद्य पदार्थों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाए रखने की बात कही है। हरदोई की तस्वीरें, खाद्य विभाग किराना दुकानों पर पहुंचा है, छानबीन की है। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप भी मच गया, कई दुकानों से नमूने भी लिए गए हैं। साथ ही साथ अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी उसके आधार पर आगे
कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस छापेमारी से आसपास के दुकानदारों में भी काफी हड़कंप देखने के लिए मिला है। कुछ दुकानदार तो ऐसे थे जो दुकानें बंद करके मौके से फरार हो गए। तो हरदोई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। खाद्य विभाग के एक्शन से पूरे इलाके में किराना दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानों पर जाकर सामानों के सैंपल लिए गए हैं। दरअसल वहां के जो लोग हैं उनके द्वारा शिकायतें मिल रही थी कि कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पर नकली सामान मिल रहा है, मिलावटी सामान मिल रहा है, जिसके आधार पर ये चेकिंग की गई है। और खाद्य विभाग का ये कहा जा रहा है कि अगर आगे भी इस तरह की शिकायतें मिलती हैं तो ये कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन इससे दुकानदारों में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। कुछ दुकानदार ऐसे थे जो जैसे ही उन्हें भनक लगी कि खाद्य विभाग की टीम यहां पर छापेमारी के लिए आ रही है, तो दुकानें बंद करके मौके से फरार हो गए। हालांकि कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जिन्होंने आराम से पूरी इसमें जो भी छापेमारी की जा रही थी पूरी तरह से सहयोग किया है और यहाँ पर सारे नमूने टेस्ट कराए हैं। तो हरदोई की तस्वीरें, खाद्य विभाग के किराना दुकान में छापेमारी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसा एक्शन आगे भी देखने के लिए मिल सकता है। जो है आयुक्त खास सुरक्षा औषधि प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पे ये दशहरा और दिवाली त्योहारों के दृष्टिगत एक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत व्रत में प्रयोग होने वाली सामग्री और इन चीज़ों की जाँच की जा रही है और गड़बड़ मिलने पर उनका नमूना संग्रहित किया गया। यहाँ आपके यहाँ से तीन नमूने संग्रहित किए गए हैं, एक जो है कुट्टू आटा का और एक मखाना का, एक साबूदाना का। मथुरा के थाना छाता कोतवाली के अहूरी गांव के रहने वाले दो चचेरे भाइयों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला करते हुए करीब 87,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक अहूरी गांव निवासी नीरज अपने चचेरे भाई सुनील के साथ मथुरा से गेहूं बेचकर वापस आ रहा था। इसी दौरान उन लोगों पर नामजद व्यक्तियों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया और सुनील के हाथ में गोली मारकर रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। वही मौके पर मौजूदा ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस द्वारा घायलों को छाता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से सुनील को मथुरा के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने बताया कि करीब 11 बजे उनके पास दो मरीज आए थे, जिनमें से एक का नाम नीरज और दूसरे का नाम सुनील था। डॉक्टर ने बताया कि सुनील के हाथ में एक घाव था, जिस कारण मरीज गोली लगना बताया जा रहा है, लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी के चलते सुनील को जिला अस्पताल मथुरा के लिए रेफर किया गया। आज ये घटना हुई थी, सुबह हमने अपने गेहूँ भरे थे मथुरा से बेच के आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोग जंगल में के निकले, उन्होंने आते ही डंडा लौटी से सिर मेरा फोड़ दिया यहाँ से और डंडा मारने लगे। हमने शोर शराबा करा तो गांव पास में जुताई हो रही थी सरसों के लिए, लोग भाग आए। उन्होंने एक ने धर्म सिंह ने कहा साले गोली मारो भाग जाने, लोग आ रहे उन्होंने गोली मारी और मोटरसाइकिल सबको मारा था। गोली मार के बहुत के गांव के थे, पहले से ही धमकी देते थे। कौन कौन लोग थे आप? धर्म सिंह था, धर्म सिंह ने कहा था गोली मार और कान में तमंचा निकाल के चलाया था। श्रावस्ती में एक पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जिले के मलहीपुर के हरवंशपुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। श्रावस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला। बाइक सवार को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही युवक की जान चली गई। आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को अपने कब्जे में लिया, परिजनों को भी सूचित किया है। साथ ही वाहन का जो ड्राइवर था उसकी भी तलाश की जा रही है। बाराबंकी में दिल्ली से बहराई जा रही बस और दूसरी ओर से आ रहे ट्रक में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में
करीब 14 से ज्यादा यात्रियों की जान चली गई है, जबकि घटना में करीब 20 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई यात्रियों को ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। पूरा मामला बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के बबूरिया गांव का है, जहां सुबह करीब 5 बजे जैसे ही दिल्ली से बहराइच जा रही टूरिस्ट बस देवा कोतवाली क्षेत्र में किसान पथ पर बबूरिया गाँव के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे ट्रक से की गई बस से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बस और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। वहीं दुर्घटना की सूचना पाते ही भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाराबंकी में हुई इस घटना को लेकर गहरा शोक व्यक्त किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने मृतकों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे की भी घोषणा की है। ये देवा थाना क्षेत्र में बबुरी गांव के पास में एक बस जो दिल्ली से बहराइच जा रही थी, उसमें काफ़ी यात्री सवार थे और एक सामने से अनियंत्रित ट्रक आया, उससे एक्सीडेंट हो गया जिसमें 27 लोग घायल हैं और 9 लोगों की डेथ हो चुकी है और सभी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। यहां से जो सीरियस थे उनको रिफ़र करा के ट्रामा सेंटर लखनऊ भेजा गया है और तत्काल पुलिस प्रशासन सभी लोग मौके पर मौजूद रह करके गाड़ियों को अलग कराया गया और वहाँ से जो घायल थे उनको निकाल करके प्राथमिकता के स्तर पर उनका उपचार कराया जा रहा है और जल्दी से जल्दी रिकवर कराने के लिए पूरा मेडिकल टीम, प्रशासन और पुलिस में व्यवस्था लगी हुई है। सभी लोग मौके पर मौजूद रह करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, शुरुआती जानकारी क्या रही, कैसे हादसा हुआ है? अब इसकी जानकारी ये थी कि आमने सामने से कोलाइड हो गया है बस और ट्रक, इसी में ये एक्सीडेंट हुआ है। आज अर्ली मॉर्निंग पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि किसान पथ जो पड़ता है हमारे जनपद में, वहाँ पे बहराइच से दिल्ली एक प्राइवेट वोल्वो बस जा रही थी, उसकी भिड़ंत सामने से आ रही एक ट्रक से हो गई, जिसके कारण ये दुखद हादसा हुआ है और इसमें अभी तक 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 27 लोग घायल हैं, जिसमें से जो गंभीर रूप से घायल लोग थे उन सबको हम लोग ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया है। सर पता नहीं, हम तो सो रहे थे। तो कुल्लू मनाली से कहाँ? दिल्ली से बस पकड़ी के घर जाने। और कहाँ जा रहे थे? अब बहराइच। हम आ रहे थे दिल्ली से, बैठे हैं, मतलब आए थे कुल्लू मनाली से। कहाँ जा रहे थे? ये कन्नेलगंज। कैसे हो गए ये? अब ये हम लोग को नींद लग गई थी, हम लोग को इतना नहीं पता है कि कुल कितने लोग थे गाड़ी में। कुल ज़्यादा नहीं, तो 70-75 बंदे तो थे कम से कम। कितने लोग खत्म हो गए हैं, मर गए? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मस्तराम। कहाँ रहते हो? जगतापुर डीहा में रहता हूँ, थाना कन्नेलगंज है, तहसील कन्नेलगंज है, कर्रा थाना। कहाँ से गए, जा रहे थे कहाँ से? दिल्ली से आए थे, कन्नेलगंज जा रहे थे। तो कैसे हो गया, कुछ जान पाए? ये अचानक में ही हुआ, रात में 4 बजे के। तो कैसे हुआ, किससे हुआ है? ट्रक से। कितने लोग एक्सपायर हुए हैं कुछ पता है? ये तो नहीं पता है। आपके साथ के लोग? हमारे साथ के लोग 2 लोग नहीं मिल रहे हैं। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को घटी हिंसक घटना के बाद वरुण गांधी किसानों के समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी के सांसद ने लिखा, वीडियो बिल्कुल साफ है, विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता, बेगुनाह किसानों का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इससे पहले कि किसानों के मन में सरकार के प्रति अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। वरुण गांधी ने लिखा कि लखीमपुर खीरी में किसानों के नृशंस नरसंहार की घटना में हुई एफआईआर में नामित और इस घटना में संलिप्त अन्य संदिग्धों साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी कब होगी? अब तक गिरफ्तारी ना होना देश के नागरिकों के मन में संशय पैदा कर रहा है। देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, इस नए वीडियो में घटना स्पष्ट है। बता दें कि इससे पहले भी वरुण गांधी किसानों के समर्थन में ट्वीट करते रहे हैं, वो घटना के बाद इस संबंध में योगी सरकार को खत भी लिख चुके हैं। अपने खत के जरिए वरुण गांधी ने मांग की थी कि पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।